नमस्कार, मैं हूं रूप चौहान और आप देख रहे हैं के चैनल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को-स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। शिमला के सुनी कोल डैम जलाशय में गिरी दो छात्राएं, दोनों छात्राओं में से एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। हमीरपुर के गांधी चौक में पुलिस ने किया जागरूकता शिविर का आयोजन, शिविर में जनता ने भी बढ़ चढ़ कर लिया भाग। अब एक ही स्मारिका में मिलेगी जिले के सभी देव देवताओं की जानकारी, स्मारिका बनाने की दिशा में सर्व देवता समिति ने शुरू किया प्रयास। और मनाली में कबड्डी चैंपियन का भव्य स्वागत, खिलाड़ी की उपलब्धि को देखकर सरकार प्रदान करे नौकरी, कहा ऐसे ही कबड्डी चैंपियन कविता ठाकुर ने। शिमला के सुनी कोल डैम जलाशय में सेल्फी लेती 9वीं कक्षा की दो छात्राएं डैम में गिर गई, दोनों छात्राओं में से एक को बचा लिया गया है। छात्रा का शिमला इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहाँ पर छात्रा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्राएं जलाशय पर बने पुल के ऊपर सेल्फी ले रही थी, इसी बीच अचानक डैम में गिर गई। बचाई गई एक छात्रा ने अपने बयान में कहा है कि रोज उधर घूमने जाते थे और हमेशा की तरह उस दिन भी गए थे, लेकिन अचानक सेल्फी खींचते हुए एक लड़की के डैम में फिसल जाने और उसको बचाने के चलते नीचे गिर गए। उसके बाद क्या हुआ उसका पता नहीं चला। वहीं दूसरी लड़की का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने गोताखोरों की मदद से एक छात्रा को बाहर निकाल लिया है, लेकिन दूसरी की तलाश अभी जारी है। हाथ छूट गया, उसके बाद मैं चिल्लाई और कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और उनने मेरे को बचा लिया, और उसका मेरे को नहीं पता कि कहाँ है। बस थैंक यू। वहाँ करने क्या गए थे बेटा? हम डेली वहाँ जाते थे घूमने। घूमने तो क्या वहाँ सेल्फी ले रहे थे? नहीं, मोबाइल से नहीं। उधर बचाई गई छात्रा की मां ने बताया कि बच्ची के ऊपर कोई भी तनाव या परेशानी नहीं थी। बच्ची की मां ने बच्ची के सामान्य होने की बात कही है। लेकिन जब मुझे पता चला तो यही पता चला कि जी आपकी डॉटर वहां पे है, और वहां से मैं क्या नाम गई, जब मैं रास्ते में गई तो मुझे एक और कॉल आया कि वहां पे भी बच्चे, दो बच्चियां सतलुज में डूब रही हैं, उनको, उनमें से एक आपकी बेटी है। तो मैं और आगे गई थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा दूर है वहाँ से, मेरे घर से आधा किलोमीटर है वो सतलुज, जहाँ मेरे रेजिडेंस से आधा किलोमीटर है। तो उन्होंने कहा भाई, मुझे जो कॉल आया उसमें बताया गया कि आपकी बेटी और एक और लड़की दरिया में डूब रही हैं। तो थोड़ी और आगे गई तो बोला कि वो आपकी बेटी को हमने निकाल लिया और आप जल्दी से कपड़े लेके आ जाओ। तो मैंने कहा कपड़े कुपड़े तो कुछ है नहीं भाई, उसको हॉस्पिटल ला रहे हैं। तो जब मैं थोड़ा आगे गई तो हॉस्पिटल के पास पहुंच गए थे और इसको हॉस्पिटलाइज किया। वहां पे उन्होंने डायग्नोज फर्स्ट एड दे के यहां रेफर किया। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने फिलहाल छात्रा को खतरे से बाहर बताया है, लेकिन हादसे की वजह से छात्रा के दिमाग पर थोड़ा सा तनाव बना हुआ है। ये जो लड़की आई है 14 साल की, ये सोनी से लगभग 7 बजे के करीब रेफर की थी और 8-8:30 बजे के करीब IGMC पहुंची है। इसकी हालात बिल्कुल ठीक है, लगता है इसको पानी में से बहुत जल्दी निकाल दिया गया था। इसके शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं है और बिल्कुल सामान्य बात कर रही है। इसके जितने भी वाइटल्स ऑर्गन्स हैं सारे ठीक काम कर रहे हैं। सर, बातचीत सही से कर रही है? खाना पीना कुछ खाया क्या? कुछ बात कर रही है इसके साथ, इसके मदर हैं बता रहे थे कि खाना भी खा रही है और थोड़ा डिप्रेशन है इसमें, चुप सी तो है लेकिन इसका जो स्वास्थ्य बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई है, ड्राउनिंग की हिस्ट्री है, दो लड़कियां साथ में पानी में कूदी हैं, क्या कारण रहे होंगे, क्योंकि दूसरी लड़की अभी तक लापता है, मिली नहीं है, सिर्फ यही है जो इस कहानी के बारे में बता सकती है। तो अभी हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इससे पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। हमारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी इनकी इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से इन्होंने, जो लड़कियां हैं, इन्होंने छलांग मारी है पानी में। ये वहाँ पर सुन्नी स्कूल में पढ़ती हैं, 10वीं की छात्राएँ थी
और वहीं की लोकल हैं, जैसा कि लड़की की माँ ने बताया। और सामान्य रूप से घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन उनको ये सूचना मिली बाद में कि उन्होंने पानी में छलांग मारी और किसी ने इनकी जो बेटी है 14 साल की उसको पानी से निकाल दिया है। दूसरी बेटी की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल पुलिस के 7 और 8 दिसंबर को मनाए जाने वाले स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार हमीरपुर के गांधी चौक पर पुलिस ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रमण कुमार मीणा, ASP राजेश कुमार के अलावा सभी थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं शिविर में जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुलिस से जानकारी हासिल की। SP हमीरपुर रमण कुमार मीणा ने बताया कि 7-8 दिसंबर को हिमाचल पुलिस रेजिंग डे के उपलक्ष्य में जागरूकता शिविर लगाया हुआ है और जनता से जुड़ने के लिए शिविर में कानून की जानकारियां दी जा रही है। 7 और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश पुलिस का रेजिंग डे मनाया जा रहा है, तो उसी से संबंधित ये एक अवेयरनेस कैंपेन हमने रखा है। इसमें हमारे DGP साहब की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि इसको जनता से एक जुड़ने का माध्यम बनाया जाए, इस रेजिंग डे का जो फंक्शन है इसको। तो हमने ये कैंप लगाया है, ये क्योंकि गांधी चौक शहर का सबसे व्यस्त क्षेत्र है, साथ ही साथ यहाँ बच्चों की स्कूलों से आवाजाही, इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत होती है। तो हमने ये अवेयरनेस कैंप लगाया जिसमें कि लोगों को उनके कानूनी अधिकार बताए जाएंगे, जैसे गिरफ्तारी से संबंधित कोई अधिकार, उनके कोई कंप्लेन दर्ज करने से, FIR दर्ज करने से संबंधित, उनके नागरिक के तौर पे उनके अधिकार, जो भी जिनका भी पुलिस से संबंध होता है वो सब उनको यहाँ बताया जाएगा। साथ ही साथ ट्रैफिक को लेकर, व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर, और आजकल देखने में आ रहा है साइबर क्राइम के शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोग, तो उसको लेकर एक जागरूकता अभियान बढ़ाया, ये हमने चलाया है। तो ये हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से, हमीरपुर पुलिस की तरफ से इस्टेब्लिश किया गया है और इसमें हम पैम्फलेट बांट रहे हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ जो कानून के अच्छे जानकार हमारे पुलिस वाले हैं उनको हमने यहाँ तैनात किया है। लोग आकर उनसे सीधे बात भी कर सकते हैं, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, वो जान सकते हैं। पहली बार उन्होंने बताया कि लोगों का भी बढ़िया रिस्पांस मिला है और अपने अधिकारों को जानने के लिए लोगों को जानकारी मिल रही है, जिससे जनता और पुलिस की दूरी को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। एक अच्छा रिस्पांस लोगों की तरफ से मिला है और लोगों ने स्वागत किया है इस कदम का। विशेषकर मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ आने वाले लोग हैं, साथ ही साथ जो स्कूली बच्चे हैं, सभी इस कैंप की तरफ आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, अपने अधिकारों को जान रहे हैं। थ्रू पैम्फलेट जो हम दे रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी वो सीधे भी बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा कदम है जिससे कि जनता और पुलिस के बीच जो दूरी है, हालांकि दोनों एक दूसरे से संबंधित पूरी तरह जुड़े हुए तथ्य हैं, पुलिस भी और पब्लिक भी, पर ये जो बीच का गैप है इसको दूर करने का एक प्रयास पुलिस की तरफ से है। और इसमें हम हमारे DGP साहब की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि जितना जनता के करीब हम जा पाएं उतना हम जाने की कोशिश करें। तो उसी का हिस्सा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दबट के साथ लगते जंगल में दबिश देकर अवैध शराब की 2 भट्टियां पकड़ी। इस दौरान पुलिस ने करीब 1600 लीटर लाहण और 30 लीटर अवैध शराब बरामद की और उसे नष्ट कर दिया। पंजाब की सीमा से सटे इन इलाकों में अवैध शराब बनाने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। एक गुप्त सूचना मिलने पर नैना देवी के DSP अनिल शर्मा की अगुवाई में पुलिस ने दबट के साथ लगते जंगल में दबिश दी। टीम में कोट थाना के SHO योगराज, ASI नीलम और कांस्टेबल निशांत, सुमेल व चिंतामणि शामिल थे। जंगल में दबट निवासी विजय को शराब की 2 भट्टियां चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वहां से पुलिस को 7 ड्रमों में करीब 1600 लीटर लाहन व 30 लीटर अवैध शराब मिली। नशे के इस जखीरे को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। DSP अनिल शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दबट गांव में पिछले कल कार्रवाई की, जिसमें 2 चलती भट्टी को हमने नष्ट किया था और उसमें एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है विजय कुमार, सन ऑफ शिमराज, गांव दबट का रहने वाला है। और उसकी जो शराब की सप्लाई है वो ना केवल हिमाचल में बल्कि आनंदपुर साहिब तक उसकी सप्लाई करता था। हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है और आज उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज ऑफ मंडी टाउन, संपत्ति देवी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रिकॉग्नाइज्ड बाय HP गवर्नमेंट एंड HP नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, अप्रूव्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली। एडमिशन स्टार्ट फॉर BSc नर्सिंग ड्यूरेशन 4 ईयर।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस टू मेडिकल विद 45%. Few seats are vacant in state quota. Special scholarship for SC, ST and OBC candidates. So please contact Sampati Devi Memorial College of Nursing, PPO Bichni, District Mandi, Himachal Pradesh. हमीरपुर जिला में सीरियल चोरियों के मामले में आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। हमीरपुर और बड़सर के क्षेत्रों में दर्जनों चोरियों को अंजाम देकर रफू चक्कर होने वाले सरगना को जिला बिलासपुर के बरमाना से गिरफ्तार किया है। हमीरपुर जिला के डटवाल क्षेत्र में चोरियों की वारदातों के पीछे रहे सरगना को पकड़ने में बड़सर पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। बड़सर पुलिस ने पिछले कुछ महीनों से डटवाल के अलग अलग क्षेत्रों में चोरियों को अंजाम देने वाले सरगना को जिला बिलासपुर के बरमाना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जिला बिलासपुर के बरमाना क्षेत्र से संबंध रखता है तथा आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के बारे में स्वीकार किया है। बता दें कि डटवाल क्षेत्र की पंचायत जमली बड़ा ग्राम में एक रात में 9 जगहों पर चोरों ने सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। पिछले महीने और इस महीने भी दो घटनाएं हुई बड़सर क्षेत्र में, बड़सर थाना के अंतर्गत, जिसमें बड़ा ग्राम और महारल क्षेत्र में ताले टूटे थे। अक्टूबर में महारल में 11 जगह ताले तोड़े इस व्यक्ति ने, उसके बाद में अभी इस महीने 5 जगह ताले तोड़े, जिनमें कुछ चोरी भी गए हैं, कुछ रुपए, कुछ नकदी। तो ये व्यक्ति इसकी जो लोकेशन थी उसको ट्रेस करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इसकी पहचान करके इसके गिरफ्तार किया गया है। और ये बरमाना क्षेत्र का रहने वाला है और इस पर पहले भी ऐसे कई मुकदमे दर्ज हैं। तो इसको गिरफ्तार करके पुलिस जितना भी इसमें चोरी गई है उसको रिकवर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। उपायुक्त कुल्लू यूनिस ने बताया कि आवारा व बेसहारा पशुओं के उचित रखरखाव को लेकर जिला स्तरीय गौवंश संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त ने सोमवार को बचत भवन में इस संबंध में जिला अधिकारियों व गौसदन संचालकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उपायुक्त ने बताया कि जिला में कार्यरत सभी गौसदन संचालकों को अपने अपने गौसदन को सोसाइटी एक्ट के तहत बोर्ड में पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जब गौसदन संवर्धन बोर्ड के तहत पंजीकृत होने के बाद सरकार की ओर से विशेष अनुदान राशि गौसदन संचालन के लिए दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला के सभी पशुओं को माइक्रो चिपिंग से जोड़ने के लिए बजट का उचित प्रबंध किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव को अपनी अपनी पंचायतों में पशु पंजीकृत करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को आवारा न छोड़े। यदि कोई व्यक्ति पशुओं को आवारा छोड़ते हुए पकड़ा गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की डेट में बढ़ती जा रही है वो ये है कि लोग उनसे अपना मतलब जो दूध है वो सब लेके उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है जी। परंतु हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम देखा जाए कि हम गवर्नमेंट का भी मैंडेट है चलो कि हमारे जो गौसदन है वो एक तो प्रॉपरली मेंटेन्ड होने चाहिए और हमारे गौसदन हमारे एक ज़िले में जितने स्ट्रे कैटल की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे गौसदन होने चाहिए, प्रोवाइडेड कि एक गौसदन में कितनी कैपेसिटी है। और इसके अलावा हम गौसदन में फॉडर का प्रावधान, चारे का प्रावधान कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों का मैं डिस्कस करूँगा। परंतु मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँ, हमारे कुल्लू में जितनी भी गौशालाएँ हैं रजिस्टर्ड गौशालाएं होनी चाहिए। दूसरा, एक हमारा गौवंश संवर्धन बोर्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसमें अभी पिछले कुछ साल पहले ऑनरेबल हाईकोर्ट की डायरेक्शंस आई थी, वो भी मॉनिटर कर रहे थे। तो हमें गौवंश संवर्धन बोर्ड बनाने को कहा गया, तो वो बोर्ड भी बना। अब उस बोर्ड की कुछ प्री रिक्वायरमेंट है कि आपका जो गौसदन है, चाहे वो कोई संस्था चला रही है, पंचायत चला रही है या सरकार चला रही है, वो उनके साथ रजिस्टर होना चाहिए ताकि जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट है, चाहे वो चारे को लेके है, फॉडर को लेके है या जितना भी हेल्प सरकार प्रोवाइड करेगी वो उस बोर्ड के थ्रू ही आएगा, परंतु उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो रजिस्टर होना चाहिए। बैठक में SDM सनी शर्मा, उपनिदेशक पशुपालन, नगर परिषद मनाली की अध्यक्षा शबनम तनवर व अन्य विभागों के अधिकारी व गौसदन संचालक मौजूद रहे। कुल्लू से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी जिला की देव संस्कृति काफी प्राचीन है।
और इसे भावी पीढ़ी तक निरंतर पहुंचाया जा सके, इसके लिए सर्वदेवता समिति ने प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। सर्वदेवता समिति मंडी जिला के सभी प्राचीन देवी देवताओं, मंदिरों और शिवरात्रि महोत्सव के इतिहास को लेकर एक स्मारिका का प्रकाशन करने जा रही है। स्मारिका में जिले के 500 से भी अधिक देव देवताओं का संपूर्ण विवरण दिया जाएगा। मसलन देवी देवता का मंदिर और मूल स्थान कहाँ पर है, प्रकट कैसे हुए, मान्यताएं क्या है, मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है और देवी देवता के पास कितनी जमीन और धन दौलत है, ऐसी जानकारियों को सर्व देवता समिति ने जुटाना शुरू कर दिया है। और अभी तक समिति के पास 80 देवी देवताओं का विवरण भी पहुंच चुका है। सर्व देवता समिति के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा की माने तो अभी तक प्रशासन के पास भी देवी देवताओं की संपूर्ण जानकारी मौजूद नहीं है। प्रशासन भी हर वर्ष महोत्सव के दौरान फाइलों को ही खंगालता है। स्मारिका बन जाने से जहां प्रशासन को इससे मदद मिलेगी, वहीं भावी पीढ़ी तक देव संस्कृति को पहुंचाया जा सकेगा। सर्व देवता समिति के अनुसार उनके पास स्मारिका के प्रकाशन के लिए धन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्होंने जिला प्रशासन से इसके लिए शिवरात्रि महोत्सव आयोजन समिति से धन उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई है। देवी देवताओं का विवरण है वो कहीं भी मंडी किसी प्रशासन के पास नहीं है, ना इसकी हिस्ट्री का पता है। तो हमने एक स्मारिका तैयार कर रहे हैं जिसमें सभी देवी देवताओं का विवरण होगा, और उसके लिए हमने प्रशासन रोध किया कि इसके लिए शिवरात्रि जो फंड होता है उसे खर्च किया जाए। दूसरा, हमारे देवी देवता 128 किलोमीटर से आ रहे हैं, 100 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो उनका जो मानदेय है बहुत कम है और वहाँ पारदर्शिता लाने की जरूरत है, क्योंकि यह देखने में आया है कि जो देवता 50 किलोमीटर से आ रहा है उसको 35,000 दिया जा रहा है और जो देवता 128 किलोमीटर से आ रहा है उसको 20,000 दिया जा रहा है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है, तो इसमें पारदर्शिता लाने के लिए हमने सुझाव रखा। तो उसमें माननीय उपाध्यक्ष ने माना कि इसमें देखा जाएगा और राशन भत्ते की राशि दी जाती है, आदमी की व्यक्ति को देख के राशन दी जाए तो इसमें बढ़ोतरी की जाए, ये हमारा मेन मुद्दा था। वहीं सर्व देवता समिति मंडी में जारी संस्कृति सदन के निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग भी उठाई है। बता दें कि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 7 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। देवता समिति ने चौहटा में होने वाली यात्रा के लिए उचित व्यवस्था का सुझाव भी जिला प्रशासन को दिया है, क्योंकि इस बार चौहटा बाजार में सौंदर्यकरण के नाम पर काफी बदलाव किया गया है। ये भूतनाथ का जो मेला था इसमें अभी सौंदर्यकरण किया गया, तो जो समतल जगह थी जहाँ देवी देवता बैठते थे वहाँ देवताओं को बैठने के लिए थोड़ा सा अटने आएंगी, उसमें हमने सुझाव रखा और माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि इसके बारे में हम उपस्थिति में बैठक में निर्णय लेंगे। दूसरा, हमारा देव सदन का कार्य जिसके लिए आज 1 साल हो गई, 7 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है और पीडब्ल्यू विभाग को दे दिया गया है, मगर अब एक कार्य बड़े धीमी गति से चला हुआ है, इसके लिए हमने प्रशासन से अनुरोध किया इसको शीघ्र चलाने की कोशिश करें ताकि देवताओं को ठीक चला सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल के चैनल में फिर से वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सार्वजनिक सूचना, सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2017-18 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं की परीक्षा पास करने जा रहे हैं, जिनका जन्म 1/5/2005 से पहले तथा 30/4/2009 के बाद ना हो, छात्र छात्रा ने तीसरी, चौथी एवं 5वीं कक्षा की पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र से स्थित पाठशाला से की हो, यदि छात्र ने इन कक्षाओं में एक दिन भी किसी शहरी विद्यालय में अध्ययनरत किया है तो वह शहरी क्षेत्र से पात्र होगा। वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2018 में 6ठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा का आयोजन दिनांक 8/4/2018 को जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए पंजीकरण ऑनलाइन के अतिरिक्त ऑफलाइन माध्यम का भी प्रावधान किया गया है। अभिभावक अभ्यर्थी आवेदन पत्र उक्त ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। अभ्यर्थी जिस विद्यालय में कक्षा 5वीं से सत्र 2017-18 में अध्ययनरत है उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से आवेदन पत्र अभी प्रमाणित कराकर प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह में पावती प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। वे अभ्यर्थी जिन्होंने जनसेवा केंद्र से पहले से ही सफलतापूर्वक आवेदन जमा किया है
उन्हें पुनः ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि 25/11/2017 तय की गई है। आवेदन पत्र प्रत्येक गांव में जनसंपर्क लोक मित्र केंद्र अथवा जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो में स्थापित केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pando.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही जमा करवा सकते हैं। अतः अभिभावकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले अपने पुत्र पुत्री का पंजीकरण नजदीकी जन सेवा केंद्र में करवाकर नवोदय विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहयोगी जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो की सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक डीके सिंह प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो डिस्ट्रिक्ट मंडी। दूरभाष नंबर 01905282046। शिमला के लकड़ा बाजार स्थित ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग में रविवार को इस साल में पहली बार आइस स्केटिंग करवाई गई, लेकिन वह भी पूरी नहीं हो पाई। आधी अधूरी स्केटिंग के बाद आसमान को बादलों ने ऐसे घेरा कि आइस स्केटिंग का रोमांच भी संकट में घिर गया। मौसम बदलने के साथ ही बर्फ जमाना आसान नहीं रह गया है, लिहाजा स्केटिंग नहीं हो पाएगी। आइस स्केटिंग के लिए मौसम का साफ होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि साफ मौसम में ही बर्फ जम पाती है। स्केटिंग क्लब के महासचिव राजन भारद्वाज का कहना है कि अब शिमला आइस स्केटिंग इंटरनेशनल कार्निवाल भी मौसम पर ही निर्भर करता है। अगर मौसम ने साथ दिया तो दिसंबर के अंत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्केटिंग के चाहवानों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएगी। शिमला आइस स्केटिंग क्लब के महासचिव राजन भारद्वाज का कहना है कि मौसम ने एक ही दिन साथ दिया। रविवार शाम से मौसम बदल गया है, जिस वजह से स्केटिंग मैदान में अब बर्फ जमाना आसान नहीं है। मौसम के बदले मिजाज ने स्केटिंग चाहवानों की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है कि आज फिर से जो है हम कह सकते हैं दुख के बादल हमारे पर मंडरा रहे हैं, और उसकी वजह से जो है हमारी आइस स्केटिंग का जो सत्र आज का नहीं हो पाया, और हमें उम्मीद है आने वाले एक दो दिन में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मौसम की जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके मुताबिक जो मौसम जो है दो तीन दिन खराब रहेगा। देखिए, ये हमें बहुत खुशी थी इस बार, क्योंकि इस बार जो है दो साल के बाद, दिस इज़ दी थर्ड ईयर, जो है पहली बार जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है आइस स्केटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन फिर से वही मौसम की बेरुखी की वजह से हम लोग जो हैं इसके ऊपर टोटली जो है मौसम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि ये एक मात्र नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक है और आइस स्केटिंग जो है यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल तरीके से होती है, तो इसीलिए जो है जो पूरा मौसम है उसका साथ ना देने की वजह से जो है हम जो ये आइस स्केटिंग नहीं करवा पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पर्यटन नगरी मनाली में शहरवासियों ने एशियाई कबड्डी चैंपियन कविता ठाकुर का भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि मनाली निवासी कविता ठाकुर हाल ही में संपन्न एशियाई कबड्डी चैंपियन में भारत की टीम की सदस्य थी, जिन्होंने फाइनल में साउथ कोरिया की टीम को हराकर यह चैंपियनशिप जीती थी। कविता की इस उपलब्धि से समूचे हिमाचल प्रदेश में खुशी की लहर है। कविता के मनाली पहुंचने पर आज मनाली वासियों ने उनका ढोल नगाड़ों की थाप पर फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कविता ने कहा कि वे चाहती है कि कबड्डी को ओलंपिक्स में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अब पहले से ज्यादा इस खेल पर ध्यान दे रही है, पर अभी भी इस खेल में सुधार करने की जरूरत है। कविता ने कहा कि खिलाड़ी को उसकी उपलब्धि के अनुसार प्रदेश सरकार को नौकरी प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अब आगामी एशियाई खेलों के लिए कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए अभी से तैयारी में जुट जाएगी। जी, अभी जो एशियन चैंपियनशिप हुई इसमें लड़कियों की 10 टीमें थी, एशियन जितनी भी एशिया की थी, और हमारे हर पूल में पाँच पाँच कंट्री थी। उसमें पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साउथ कोरिया और ईरान था। फाइनल में हमारे साथ कोरिया का मैच रहा। दूसरी कंट्री में अभी स्किल की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बट फिर भी वो हमें अच्छा फाइट दे देते हैं, तो उसके लिए हमने काफ़ी तैयारियाँ की थी और उसके ऊपर खड़े भी थे। काफ़ी सालों से ये प्रयास चल रहा है कि ओलंपिक में कबड्डी आ जाए, और मेरे ख्याल से शायद इस बार एग्जीबिशन मैच के लिए रिक्वेस्ट भी किया गया था। आशा करते हैं कि इस बार ओलंपिक में हमारा एग्जीबिशन मैच हो जाए और आगे ओलंपिक में भी हम खेलें। जी सर, अभी तक मेरी क्वालिफिकेशन जॉब के अकॉर्डिंग नहीं थी, बट इस साल मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो मैं दरख्वास्त करती हूँ सरकार से कि मुझे ही क्या सभी प्लेयर्स को उनके अचीवमेंट के हिसाब से जॉब दिया जाए।
सर अब तक प्रदेश सरकार ने पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है, प्लेयर्स को पूछा जा रहा, बट हमें अभी भी प्लेयर्स को उससे थोड़ा अच्छा चाहिए इंटरनेशनल लेवल की। बिल्कुल सर, जो दूसरे प्रदेशों में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी हिमाचल उतना नहीं दे पा रहा प्लेयर्स को जितना देना चाहिए। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। के चैनल पर खबरों का सिलसिला यूं जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।